मोदी मैजिक चल रहा है। अब की बार 400 पार। वीरेंद्र खड़ी कम से कम 5 लाख वोटों से टीकमगढ़ लोकसभा से चुनाव जीतेंगे। 404 पार। जो मोदी जी हैं सबसे अच्छे हैं, इससे अच्छा कोई नहीं है। कि मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी को ही आना है। एक बार फिर मोदी सरकार 400 पार। पेपी टाइम का खास प्रोग्राम चुनावी चौपाल को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं नौगांव में। हमारे साथ यहां के आसपास के दूरदराज से आए हुए लोग, ग्रामीण लोग मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि चुनावी माहौल क्या है और क्या रुझान है इस चुनाव को लेकर। जी भैया जी, क्या रुझान है चुनाव को लेकर? ठीक है, बीजेपी बम्पर वोटों से जीतेगी। मोदी जी के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? मोदी मैं एमपी के मन में मोदी बसे, मोदी के मन में एमपी बस, मोदी में एक चल रहा है और मोदी पे विश्वास है जो किया है। और कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की अभी कोई स्थिति समझ में नहीं आ रही है। भैया क्या है? हाँ, आपकी ये बिल्कुल मोदी जी आएंगे, बाउंड्री पार होगी 400 पार। अब की बार 400 पार, कोई नहीं रोक रहा हुआ है, ना कोई टक्कर में है। क्या कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है 400 पार। क्या स्थिति है चुनाव को लेकर? बहुत अच्छी, 5 लाख से कम बहुत अच्छी स्थिति है। आपकी जो वीरेंद्र कुमार जी, उनकी क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है उनकी भी। क्या कहेंगे? बढ़िया है सब। कहा है कि मोदी है, मोदी मैजिक चल रहा है हर जगह। सही बार मोदी दिखा रहा हूँ। वीरेंद्र जो डॉक्टर जो वीरेंद्र खटीक हैं, उनकी तो बात ही अलग है। वो अपने प्रिय नेता हैं डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। जो गठबंधन हुआ उसका कोई असर नहीं रहेगा? नहीं, उसका कोई असर जी, उसका कोई गठबंधन में कोई असर नहीं रहेगा। अब की बार क्या भैया? बढ़िया, भाजपा आएगी इस टाइम। वीरेंद्र खड़ी कम से कम 5 लाख वोटों से टीकमगढ़ लोकसभा से चुनाव जीतेंगे। क्यों भैया, क्या स्थिति है चुनाव को लेकर? एक नंबर गज्जू, मोदी सरकार, वीरेंद्र खड़ी जी सांसद बनेंगे। 400 पार होगी? 400 पार, 450 पार। आप ही युवा हैं, युवा होने के नाते रोजगार को लेकर क्या मांग करते हैं सरकार? सब है, पर्याप्त है, जो है सब है। बीजेपी जिंदाबाद। अच्छा, क्या स्थिति है चुनाव को लेकर? बढ़िया स्थिति है, बीजेपी अब की बार फिर से आएगी। आप लोगों का ज़्यादातर जो वोट बैंक है, ज़्यादातर कांग्रेस के पक्ष में जाता था, इस बार कितने प्रतिशत बीजेपी में जाने का? बीजेपी में अब मेरा ख्याल 45% तो समझ लीजिए, 35%। क्या स्थिति था चुनाव की? भाजपा किसी को आना। क्या स्थिति है भैया? आप तो वीरेंद्र साहब जीत रहे हैं, वीरेंद्र साहब की जीत पक्की है, स्थिति सही है। आप गांव किस गांव से हैं? हम यही है नौगांव की। क्या स्थिति है आप पूरा जा चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर इस बार मोदी सरकार 400 पार सीट लगकर ऐतिहासिक विजय पाएगी और इस विधानसभा में लगभग इस जिले की सबसे ज़्यादा बड़ी जीत इस विधानसभा से ही होगी। और लोकसभा हम अपने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को अवश्य भेजेंगे भारी बहुमत से जिताकर। अपने क्षेत्र को लेकर क्या विकास की मांग करते हैं आप? क्या होना चाहिए नौगांव में? बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो पुराने अंग्रेजों के समय की है, उस पर कुछ डिस्प्यूट है, उसको लेकर माननीय वीरेंद्र जी से चर्चा करी है, तो उसको भी सॉल्व करके आगे बढ़ाएंगे। और एक बहुत अच्छी नगरपालिका नौगांव है, इसको और विकास के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो युवा वर्ग हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, वो लोग यहाँ मौजूद हैं और साथ में कुछ यहाँ बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो यहाँ पर हैं। 400 पार होगी, होगी 400 पार होगी। आप कहाँ से? हम ठटेवड़ा से, सरपंच हैं, गोविंदा से यादव नाम है हमारा, ग्राम पंचायत धर्मपुरा की सरपंच। दादा का स्थिति चुनाव की? 404 पार। 404 पार, यस 100%। आपके जो टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी है, पूर्व सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी उनके रहे, इसके हाँ मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, तो उनके इस कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत साधारण जमीनी आदमी, वो भी कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता, हमको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो मंत्री हैं। हम तो कार्यकर्ता मान के चलते हैं, वो कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं के तरीके से व्यवहार करते हैं। आप अपने क्षेत्र के लिए क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र में? नौगांव जैसे आपका क्षेत्र है, यहाँ क्या होना चाहिए? मेडिकल कॉलेज तो बन ही रहा है, एम्स टाइप। अरे नौगांव क्षेत्र में ही बन रहा है, गोरगांव नौगांव नजदीकी है। दादा क्या स्थिति है चुनाव की इस बार? बहुत अच्छी स्थिति है। किसको दे रहे हैं आप वोट इस बार? वीरेंद्र खटीक, मोदी जी के नाम से। मोदी जी के नाम से? उनका कार्यकाल कैसा है? सबसे अच्छा कार्यकाल, ऐसा आज तक किसी का नहीं हुआ कार्यकाल, ना आगे होगा किसी का।
जो मोदी जी हैं सबसे अच्छे हैं, इससे अच्छा कोई नहीं है। हाँ, ये तो पब्लिक थी और पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक बोल भी रही है और वोटर है। साथ में यहाँ पर कुछ मातृशक्ति भी मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे क्या स्थिति है, क्या रुझान इस चुनाव को लेकर। जी, ये चुनाव हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और मोदी जी ही इस पूरे जनता के लिए आज ज़रूरत है, देश के भविष्य के लिए ज़रूरी है और तीसरे कार्यकाल के लिए आज हमारी पूरी भारत नज़र बिछा के मोदी जी का इंतज़ार कर रहा है और 450 सीटें मोदी जी के नाम पर आने वाली हैं। आप लिख लीजिए, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। विधानसभा, जैसे कि विधानसभा चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में लाडली बहना का काफ़ी असर रहा था, इस चुनाव में भी रहेगा? लाडली बहना ने भरपूर वोट दिया था, इस बार भी लाडली बहना वोट देंगी और ये हम सब लोग सबूत हैं, जीवंत उदाहरण है कि मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी को ही आना है। जैसे कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 सीटों पर चुनाव होने को जा रहा है, मध्य प्रदेश में कितनी सीटों का आकलन है आपका? 29 से 29, 29 में 29 ही आएंगे, 29 में 29 ही आएंगे। एक बार फिर मोदी सरकार 400 पार। मोदी जी का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के बारे में क्या क्या जानती हैं आप, क्या क्या उन्होंने किया है आप लोगों के लिए? मोदी जी ने हमारे देश का गौरव बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया है। जो कहते कि बाहर जाते थे तो शायद भारत को इतना सम्मान नहीं मिलता था, पर आज के समय में भारत का हर जगह सम्मान है, गौरवान्वित किया है। एक बार फिर मोदी सरकार जी, क्या कहेंगे आप? घर घर मोदी, हर हर मोदी, और कुछ नहीं। आप? मोदी जी ने राम राज लाया, इस राम मंदिर बनवाए, से सारे लोग मोदी जी को ही वोट दे। यानी कि प्रत्याशी के चेहरे पर वोट नहीं है, मोदी जी के चेहरे, मोदी जी के, प्रत्याशी नहीं, मोदी जी। अब की बार 400 बार, मोदी जी। महिलाओं को सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया है और हम मोदी जी को ही लाएंगे। जी, बस मोदी सरकार। मातृशक्ति भी है जो मोदी जी के समर्थन में है, इन लोगों के कहना है प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन मोदी जी के कार्यकाल की सराहना इन लोगों के द्वारा की जा रही है। और कांग्रेस की क्या स्थिति है उसके बारे में यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़कर इन लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है। तो पहले टाइम की खास प्रस्तुति चुनावी चौपाल को लेकर, अब हम चलते हैं अगले क्रम की ओर और लोगों के बीच चलकर हम पूछते हैं क्या कुछ रुझान है चुनाव को लेकर। पहले टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।